वैसे तो पुतिन पूरे यूक्रेन को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, वो जेलेंस्की को सरेंडर करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना दूसरा टारगेट भी चुन लिया है। व्लादिमीर पुतिन के टारगेट पर वो शहर है जहां मारियुपोल और बखमूत से भी ज्यादा लाशें बिछाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये बखमूत का मोर्चा है, नाउमीदी के बीच जेलेंस्की की फौज अब भी लड़ रही है। ये यूक्रेन आर्मी की T-30 तोप है और यहां इससे लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। जेलेंस्की की फौज ने हौसला नहीं खोया है, पुतिन से टक्कर लेने के लिए वो हर तरीके का इस्तेमाल कर रही है। ये T-32 122 मिलीमीटर के गोले फायर करती है। एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला लोड कर दिया जाता है। गनर दुश्मन के ठिकाने पर निशाना लगाता है और फिर कमांडर के ऑर्डर पर तोप का ट्रिगर खींच लिया जाता है। एक ही झटके में ये गोला अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन इस युद्ध में अब एक और शहर बखमूत बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहां बखमूत से भी ज्यादा खून खराबा देखने को मिल सकता है और उसका नाम है स्लोवियांस्क। पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि बखमूत को जीतने से पहले स्लोवियांस्क पर चढ़ाई कर दी जाए। रिपोर्ट ऐसी है कि बखमूत जीतने में हो रही देरी के बाद स्लोवियांस्क पर चढ़ाई का टेंडर कादिरव को दिया जा सकता है, क्योंकि पुतिन का ऑर्डर है कि स्लोवियांस्क पर हमला ऐसा हो जिसमें रहम की गुंजाइश बिल्कुल ना हो। अभी पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, लेकिन वो अपने तमाम हथियारों का एक एक गोला फायर कर रहे हैं। इस D-30 तोप की रेंज 15 किलोमीटर है और एक मिनट में 10 से 12 गोले दागने के बाद यूक्रेन की फौज को लगता है ऐसी ही बमबारी की वजह से बखमूत के फ्रंट पर हजारों की तादाद में सैनिक मारे गए हैं। जेलेंस्की का दावा है कि बखमूत में ही रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी मानती है कि ये तादाद 20 से 25,000 है। वहीं रूस के समर्थक लड़ाकों का दावा है कि यूक्रेन ने बखमूत में 20,000 सैनिकों को खोया है। Ну от саме на цьому напрямку вони агресивно себе поводять. Агресивно поводять в більшості це технікою артилерії. Ну і піхота якби агресивністю не відрізняється, але натиском, напливом, тобто кількістю, масштабністю вона перевищує всі інші напрямки. В Україні та Росії біч лараї амне самне чал рахі. अपनी ट्रेंच यानी छुपने के लिए खोदे गए गड्ढों में यूक्रेन की फौज जमी हुई है और यहीं से उसकी छोटी रेंज वाली तोप रूस के बड़े अड्डों और उसकी सप्लाई लाइन पर कहर बरपा रही है। बखमूत पर करीब पूरी तरह से कब्जा कर चुके पुतिन का टारगेट साफ है। अब रूस की फौज स्लोवियांस्क की चौखट तक पहुंच चुकी है। स्लोवियांस्क बखमूत के 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और ये शहर अब पुतिन किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पुतिन के डर से अब ये शहर या तो खाली हो रहा है या फिर यहाँ से बहुत से नौजवान इस वक्त यूक्रेन की आर्मी में शामिल हो चुके हैं। वो रूस के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। Все ж таки виженемо ворога нашим блискучим контрнаступом і вже нарешті можна буде вперше після взагалі шкільного навчання насолодитись цивільним життям, розвивати себе якось, можливо, в якомусь іншому цивільному напрямку, бо після школи якби я і не бачив нічого, окрім війни, от вже 6-й рік поспіль.
स्लोवियांस्क पर खतरा क्या है, पुतिन के सामने क्या ये बखमूत जैसा चैलेंज पेश कर पाएगा, यहाँ जेलेंस्की का सबसे बड़ा डिफेंस क्या होगा। सब बातों को देखा जाए तो बखमूत के बाद ये यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है जो पुतिन की जद में आ चुका है। इससे पहले पुतिन ने जिस तरह से मारियोपोल की लड़ाई लड़ी और फिर बखमूत में यूक्रेन के मोर्चों को रौंद कर रख दिया, उससे लगता है कि स्लोवियांस्क में जंग और भी खतरनाक हो सकती है। इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए हैं। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा किया था। हालांकि बाद में जेलेंस्की ने उनकी फौज को नदी के दूसरी तरफ पटक दिया। वहीं डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवरोदोनेस्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे। दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था, जबकि लिसीचांस को हथियाने में पुतिन को सिर्फ 8 दिन का वक्त लगा। वहीं बखमूत पर अब भी पुतिन का पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है। यहां का युद्ध 8 महीनों से जारी है और लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। पुतिन के दनादन हमलों के बीच जेलेंस्की का हर दूसरा शहर बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। जेलेंस्की जितना चाहे छुपाए, लेकिन अब इस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी है कि रूस से लड़ते हुए यूक्रेन की 1 लाख से ज्यादा फौज मारी गई है। ये आंकड़े पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां बता रही हैं। हालांकि जेलेंस्की दावा करते हैं कि उनकी सेना रूस के 1,88,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है।